नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बेहटा जाने के दौरान भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर चिनूक में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद उसे बक्सर में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी, जिसके बाद चिनूक को दुरुस्त करने के लिए इंजीनियर बक्सर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर का पहिया जमीन में धंस गया था। हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ कराने के लिए 3 ट्रैक्टर को भी बुलाया गया था, लेकिन ट्रैक्टर से हेलीकॉप्टर टस से मस तक नहीं हो पाया, जिसके बाद इंजीनियरों की टीम ने हेलीकॉप्टर में खराबी को ठीक किया। उसके बाद पायलट ने इसे स्टार्ट किया, जिसके बाद ही चिनूक को कीचड़ से निकालकर सूखे स्थान पर रखा गया। यह देख वहां उपस्थित लोग रोमांचित हो उठे। जैसे ही चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ान भरने लगा, वैसे ही तालियों की गूंज के साथ भारत माता के जयकारे लगने लगे। आपको बता दें कि बक्सर के मनिकपुर हाई स्कूल के मैदान में बुधवार की शाम आपात स्थिति में चिनूक उतरा था। वायुसेना के इस मालवाहक हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खामी को दूर करने के लिए शुक्रवार को विशेषज्ञों की टीम पहुंची। साथ ही शुक्रवार की दोपहर को वायुसेना का एक दूसरा हेलीकॉप्टर भी जरूरी उपकरण और विशेषज्ञों की टीम को लेकर पहुंचा। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों का सहयोग भी खूब मिला। ग्रामीणों के सहयोग से हेलीपैड का निर्माण भी कराया गया। उसके बाद से उम्मीद की जा रही थी कि यह शनिवार को ठीक हो जाएगा। लगभग 14 टन के इस मालवाहक हेलीकॉप्टर का चक्का गीली मिट्टी में धंस गया था। उसे निकालने के लिए 3 ट्रैक्टरों की मदद ली गई, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। वायुसेना के जवानों को मणिकपुर उच्च विद्यालय में ही ठहराया गया था। हालांकि भोजन आदि की व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर की जा रही थी। वायु सैनिक के लिए तरह तरह के भोजन बनाए जा रहे थे। हेलीकॉप्टर को देखने के लिए न सिर्फ जिले बल्कि उत्तर प्रदेश से भी लोग शुक्रवार को मणिकपुर गांव पहुंचे, जिससे गांव में मेले जैसा नजारा देखने को मिल रहा था। छोला, चाट, पकौड़ी तथा जलेबी की दुकानें सजी हुई थी। लग्जरी कारों के साथ साथ बाइक से भी दूर दराज से लोग पहुंचे थे। खासकर युवा वर्ग, वायुसेना के जवान और चिनूक हेलीकॉप्टर के साथ सेल्फी लेते हुए देखे गए। इधर चिनूक को लेकर युवाओं का कहना है कि देश के जवानों के साथ बिताए पल को वो यादों में संजो कर रखना चाहते हैं, जिसके बाद अब वायुसेना का चिनूक विमान उड़ान भर चुका है और अपने गंतव्य तक पहुंच चुका है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।